गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रीना एंड इट्स रीना फैशन फिट। सो आज का वीडियो होने वाला है एक मीशो हॉल वीडियो। मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं जिसका रिव्यू मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर आ जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और जो भी मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं मीशो से, उन सब के लिंक्स, एक्चुअली मीशो पे लिंक्स नहीं आते हैं, मीशो पे जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो उसका आपको कोड आ जाएगा, तो उन सब प्रोडक्ट्स के कोड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो उसका जो कोड है वो आप सर्च बार में जाके सर्च कर लोगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने मीशो से ये पिंक कलर का टॉप परचेस किया है। इसकी कुछ इस तरह से स्लीव्स आ जाएगी। एक्चुअली इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी स्लीव्स लगी, इसलिए मैंने ये परचेस किया था। अंदर आपको कुछ इस तरह से इलास्टिक आ जाएगा और बहुत ही प्यारा टॉप है। इसको आप ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ या फिर वाइट जीन्स के साथ अगर आप इसको पहनते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसमें आई थिंक एक ही कलर अवेलेबल है और इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो है स्मॉल साइज। आप चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा टॉप है, आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मीशो से जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेस की है, जैसे मैंने बहुत सारे टॉप्स परचेस किए हैं। ये जो मैंने टॉप पहना है इसका भी मैंने जो रिव्यू है वो मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिया है। और इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं कि बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको मिलते हैं। मतलब अगर आप अदर वेबसाइट से अगर आप कंपेयर करते हो मीशो से, रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आप कोई भी साइड में नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हो मीशो से तो उसका आप रिव्यू ज़रूर देख लेना। रिव्यू देखने के बाद ही आप उसे परचेस कर लीजिए। जैसे कि नेक्स्ट मैंने मीशो से ये ड्रेस परचेस किया है। इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, लेकिन जो पिक में दिखाया था कि वेस्ट के नीचे से आपको कुछ फ्लेयर, मतलब फ्लेयर आएगा, लेकिन ये वेस्ट के नीचे से बिल्कुल फ्लेयर नहीं आया, तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा था। ये नी लेंथ से थोड़ा नीचे है, तो इसमें भी मैंने जो साइज़ परचेस किया था ये स्मॉल साइज़ मैंने परचेस किया है। स्मॉल हो, अगर आप मीडियम साइज़ भी लेते हो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक साइड से पूरा स्ट्रेचेबल है इस तरह से। पर्सनली मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये, पता नहीं मैं क्या करूँगी इसका, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ली है ये पर्पल कलर की चिकनकारी कुर्ती, और इसमें कुछ इस तरह से फुल स्लीव्स आ जाएंगे। स्लीव्स के एंड में आपको कुछ इस तरह से वर्क है और शोल्डर्स पे भी इस तरह से वर्क आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्ती है। एक्चुअली इस तरह की कुर्तीज जो है ये बहुत कॉस्टली आती है, लेकिन मैंने मीशो से इसको परचेस किया है ओनली 500 या 600 की रेंज में ही मैंने परचेस किया है। मैंने जब परचेस किया था तब मुझे लगा कि अभी इसके अंदर एक पेटीकोट भी परचेस करना पड़ेगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई तो मुझे ऑलरेडी उसके साथ मिल गया। ये जो है मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ये मतलब आँख मूंद के आप इसे ले सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप कोई पिकनिक जाने का प्लान कर रहे हो या फिर बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हो तो
ये वाला ड्रेस आपको बहुत काम आने वाला है, नी लेंथ तक आएगा और बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था। ये ड्रेस जो है ये मैंने मीडियम साइज में परचेस किया था क्योंकि मुझे लगा स्मॉल साइज में परचेस करूँगी तो कुछ ज़्यादा ही फिटिंग आ जाएगा, तो इसको मैंने मीडियम साइज़ में परचेस किया। लेकिन जब मैंने इस ड्रेस को देखा तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है कि मतलब ये कोई भी साइज़ हो आपका तो आपको ये परफेक्ट आने वाला है। और अगर आप इसके मटेरियल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा थिक मटेरियल है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मटेरियल आपको आ जाएगा। अगर आप इसे डेनिम जैकेट या फिर स्पोर्ट शूज़ के साथ अगर आप इसे पहनते हो स्टाइलिश लगता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला टॉप। आपने इसको बहुत बार मीशो पे भी देखा होगा, अमेजोन पे देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल भी। इसका भी कोड जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। एक्चुअली ये टू पीस में है, इसमें आपको ये पैंट आ जाएगा और ये जो है उसके साथ ये टॉप आ जाएगा। अगर टॉप की बात करें तो इसमें आपको कुछ इस तरह की स्ट्रेपलेस आ जाएगी, आगे कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा आपको, और पीछे की साइड आपको इसमें जिप आ जाएगी, तो जिप की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और ये बेल्ट मिल जाएगा जो आपको पीछे से आगे की तरफ आप इसे टाई कर सकते हो। अगर मटेरियल की बात करें तो इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल आया है, और इसका जो पैंट है ये भी बहुत ही अच्छा पैंट है, ये स्ट्रेचेबल में भी आ जाएगा और कुछ इस तरह से आपको पैंट मिल जाएगा। व्हाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ भी अगर आप इस पैंट को पेयर करते हो स्टाइलिश लुक देता है। लास्ट मैंने जो लिया है वो है ये एक हैंडबैग, आप देख सकते कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, इसमें आपको इस तरह की चेन आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये बैग मिला है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी कोड मेंशन कर दूंगी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप परचेस कर सकते हो। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट।